हाय एवरीवन, मैं हूं अनुराधा। आज मैं बनाऊंगी पनीर बॉस, जो खाने में क्रिस्पी और टेस्टी। इन्हें आप कोई भी पार्टी में स्टार्टर में बनाकर दे सकते हैं, या घर में कोई गेस्ट आने वाला हो तो आप इन्हें 10 से 15 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम पनीर को लेंगे। पनीर को मैंने हाथों से प्रेस कर लिया है। इसको बाउल में ट्रांसफर कर दें। ये 200 ग्राम पनीर है। पनीर डालने के बाद इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज के साथ साथ ग्रेट की हुई गाजर। गाजर डालने के बाद बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को भी गाजर के साथ मिक्स कर देंगे। इसी के साथ थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, टेस्ट बढ़ाने के लिए कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को हाथों से मसल के डाल देंगे। इसी के साथ 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच मैंगो पाउडर। मैंगो पाउडर की जगह 2 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल दें। नेक्स्ट, अब मैं ब्रेड क्रम्स को पनीर में मिक्स करूंगी। इसको बड़े बाउल में ट्रांसफर कर दूंगी। ब्रेड क्रम्स को मैंने घर पर ही तैयार किया है। 7 से 8 ब्रेड को मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया है। 1/4 बाउल सूजी। अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पर देख लें, थोड़ा सा मिक्सचर ड्राई लग रहा है, तो इसमें 2-3 चम्मच पानी मिला लें। पानी डालने के बाद इस मिक्सचर को चेक कर लें। जब ये बंधने लगे तब इसकी बॉल तैयार कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिक्सचर बनने लगा है। अब ये बॉल्स बनने के लिए तैयार है। हाथों में थोड़ा मिक्सचर ले लें और इसको प्रेस करके इसकी बॉल्स बनाकर ब्रेड क्रम्स में लगाकर प्लेट में रख लें। ब्रेड क्रम्स को बॉल्स में अच्छे से लगा दें और प्लेट में रख लें। इसी तरीके दूसरी बॉल्स बना लें, इसमें भी ब्रेड क्रम्स लगा लें, इसको भी प्लेट में रख लें। ये देखिए, सारी बॉल्स बनकर तैयार हैं। इसको लो फ्लेम पर धीरे धीरे एक एक करके सारी बॉल्स डालते जाएं और गैस का फ्लेम लो ही रखें और धीरे धीरे चम्मच की सहायता से इसको पलट के सेंक लें। इन बॉल्स को फ्राई करने में 3-4 मिनट का समय लगता है। इन बॉल्स को धीरे से पलटें, नहीं तो ये तेल में फूट जाएंगे और सारे बॉल्स खराब हो जाएंगे। पनीर बॉल्स बनकर तैयार हैं। इनको प्लेट में रख लें और चाय के साथ इंजॉय करें। सारी बॉल्स बनकर तैयार हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कितना इजी है इसको बनाना। इसे आप चटनी या सॉस के साथ सर्व करें और मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।